नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में आपके साथ धर्म, परम, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा एक मासिक कार्यक्रम होता है, जिस कार्यक्रम में हम देव ग्रह या ग्रहों के स्वामी सूर्य जो है वो जब राशि परिवर्तन करते हैं उसके ऊपर कार्यक्रम करते हैं। ये राशि परिवर्तन जो है हर माह की 15, 16, 17 तारीख के आसपास होता है, जिसे संक्रांति नाम से भी जाना जाता है। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण समय है जिसमें ये पूरी प्रकृति, नेचर, हर एक इंसान पर फर्क पड़ता है। सूर्य 12 माह में 12 बार राशि परिवर्तन करता है, इसलिए हम इस कार्यक्रम को करते हैं। आप चाहें तो इस कार्यक्रम को करने के लिए YouTube पर जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इसमें जो बटन है, जिसको बटन दबा के आप इसके मेंबर बन सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, वो कर लें। तो आज मैं सूर्य का जो प्रवेश होने जा रहा है 18 अक्टूबर को मध्यरात्रि में 1:30 से लेके 17 नवंबर 2019 मध्यरात्रि 12:51 तक, उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसके साथ कुछ अन्य ग्रह भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं इन्हीं 30 दिनों में, क्योंकि सबका मिला जुला आपको फलादेश बताएंगे। शुक्र 28 अक्टूबर से 17 नवंबर तक वृश्चिक में रहेंगे और उससे पहले 18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक तुला राशि में चल रहे होंगे। बुध 18 अक्टूबर से और 22 अक्टूबर में वृश्चिक, 23 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जो है, सॉरी 18 से 22 अक्टूबर तक तुला में, 23 अक्टूबर से 17 नवंबर तक वृश्चिक, उसके बाद वक्रियों को 7 नवंबर से 17 नवंबर के बीच तुला राशि में चले गए। मंगल 17 अक्टूबर से 10 नवंबर तक कन्या राशि में भ्रमण करेंगे तथा 10 नवंबर से 17 नवंबर में वृश्चिक तुला राशि में भ्रमण करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुरु जो है 5 नवंबर को आने वाले एक वर्ष के लिए धनु राशि में भ्रमण करेंगे, जो कि उनका वार्षिक राशि परिवर्तन होता है। उसके ऊपर हमने अलग से यूट्यूब पे शो डाले, आप उनको देख सकते हैं। अब सूर्य का जो तुला राशि में प्रवेश है, धनु लग्न के ऊपर क्या प्रभाव होंगे, धनु लग्न के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, क्या प्रभाव होंगे ये आपको बताने जा रहे हैं। परंतु आपका धनु लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, महीना और स्थान, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में फीड करनी, इस प्रकार का एक चित्र आएगा। बीच के खाने में यदि धनु लिखा है तो समझिए आपका धन लगन है। परंतु आपको बर्थ डिटेल्स मालूम नहीं है और आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई है तो भी समझ लें आप धनु लगन में जन्मे हैं। ये नाम के अक्षर क्या है, ये यो भा भी भू धा फा ढा भे। अब ये ग्रहों की तो हमने बात कर ली, अब साधारण रूप से क्या एक माह में होने जा रहा है। एकादश भाव में सूर्य का प्रवेश भाग्य, शिक्षा, धर्म, पूजा पाठ, विभिन्न क्षेत्रों में लाभ के रास्ते खोल देगा, क्योंकि सूर्य भाग्यश है तो किस्मत हर जगह पे खोलेगी। 5 नवंबर से यात्रा लाभ की मात्रा और अधिक बढ़ जाएगी, क्योंकि लग्नेश बृहस्पति खुद लग्न में आके भाग्य स्थान पर दृष्टि देंगे तो और लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी। भाग्य में और बहुत बड़े दीर्घकालीन सुधार के योग मिलेंगे, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। प्रेम विवाह, व्यापार, दंपत्य जीवन, पार्टनरशिप में सुख मिलेगा, सुधार मिलेगा, नए पार्टनरशिप्स हो सकते हैं। संपत्ति खरीदना, वाहन खरीदना, अन्य वस्तुओं की शुभ खरीद का शुभ समय होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, मानसिक हो, शारीरिक हो, माता पिता, परिवार, कार्य क्षेत्र में संबंधों में और अधिक सुधार होगा। 17 अक्टूबर से 10 नवंबर के मध्य कार्य क्षेत्र में थोड़े से धन अथवा अन्य कारणों से तनाव होंगे, वो मंगल के कारण होंगे और संतान की चिंता हो सकती है। गर्भवश शिशु यदि कोई गर्भवती महिलाएं, उनकी चिंता हो सकती है एसिडिटी से लेके, गैस बनने से लेके, बीपी या शुगर को लेके, अथवा जो संतान एग्जिस्टिंग है उसके स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। 23 अक्टूबर से लेके और 7 नवंबर से 17 नवंबर पूरे में ही देश विदेश में नौकरी मिलना, रिश्ते आना, विवाह होना, ये सारा शुभ समय रहेगा।
28 अक्टूबर से शुक्र जो है वृश्चिक राशि में जा रहा है, तो शुभ यात्राएं, विदेश की यात्राएं, जवाहरात, गाड़ी, संपत्ति खरीदना, ये सब कुछ अच्छा रहेगा। सो 23 तथा 28 अक्टूबर से विदेश में व्यापार, विवाह, संपत्ति खरीद के योग। पिता के स्वास्थ्य हेतु बड़े निर्णय आप ले पाएंगे। देख, पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही थी, आप निर्णय ले पाएंगे और आपके निर्णय सही होंगे। परंतु कुछ ना कुछ ऐसे मंगल की स्थिति खराब है, थोड़ा जो है शुक्र द्वादश भाव में जाएगा, वृश्चिक राशि उसकी शुभ नहीं है, तो कुछ उपाय आप कर सकते हैं। देखिए, उपाय आपको बताने से पहले ये बता दूँ, इस माह में कुछ दिन विशेष ऐसे जिन पर आप नज़र रख सकते हैं कि इस दिन आपको क्या करना है, लाभ हानि के निमित्त आपको क्या करना है। तो 17-18 अक्टूबर शुभ दिन है दोनों। चैरिटी करना, अच्छे निर्णय लेना, घर संपत्ति के विदेश आना जाना शुभ है। 19 से लेके 23 अक्टूबर में, 22 अक्टूबर तक कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। 23-24 अक्टूबर शुभ दिन है, अपने आप नियति को रास्ता लेने दें, कुछ ना करें। 25-27 अक्टूबर के बीच में दीपावली के दिन जो आपको खर्चा करना है धनतेरस पे, वो कर लें आप, लेकिन अन्यथा जब तक आवश्यक ना कोई खर्चा करें। संतान, पिता और जीवन साथी के भावनाओं, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। 28-29 अक्टूबर का जो समय शुभ है, विभिन्न प्रकार के आपको लाभ मिलेंगे, सिर्फ कर्ज लेन देन से बचें। उसके उपरांत जो है 30-31 अक्टूबर का जो समय है, उसमें कोई भी निर्णय ना लें, विशेष करके धन को देने के लिए, लेने के लिए या पैतृक संपत्तियों के लिए, विदेश के लिए, चंद्र नीचे इस करके निर्णय ना लें। उसके उपरांत जो है 1 और 2 नवंबर का समय, इसमें भी चंद्र लगन में होगा, भावनाओं में खिलवाड़ होगा, संबंध धन को लेके, व्यक्तिगत संबंध, प्रेम संबंध खराब हो सकते हैं, निर्णय ना लें। कोई भी निर्णय आपको अच्छे जो लेने हैं 5 नवंबर के उपरांत लें। 5 से लेके आप जो है विशेष करके 14 नवंबर तक सारे शुभ निर्णय ले सकते हैं। सिर्फ आपको जो है 15-17 नवंबर में कोई गहरे निर्णय ना लीजिएगा जिससे आपको हानि हो, नुकसान हो। 15-17 में निर्णय ना लीजिएगा। दीपावली और धनतेरस के दिन इस लगन से जुड़े जो रत्न हैं, पीला पुखराज, पन्ना और माणिक्य, तीनों धारण कर सकते हैं। मांगलिक हैं तो पीला पुखराज, पन्ना और मूंगा धारण कर सकते हैं। साठ सती धन की स्थिति, तनाव चल रहा हो तो पीला पुखराज, पन्ना और नीलम धारण कर सकते हैं। शेयर मार्केट, सट्टे इत्यादि से जुड़े हैं तो मूंगा, लहसुनिया और पीला पुखराज धारण कर सकते हैं। क्योंकि बीच में सभी ग्रह शुभ है, परंतु यदि आप दान पुण्य इत्यादि करना चाहें तो वो आप दान शनि, मंगल, शुक्र और बुध के कर सकते हैं। उड़द है, नमक है, गुड़ है, लाल कपड़ा है, तांबा है, चीनी है, सफ़ेद वस्त्र है, मिश्री है और मूंग है, ये है। और भक्ति लक्ष्मी के किसी मंत्र का या गायत्री मंत्र का या भगवान मंगल का हनुमान चालीसा, उनका दान आप लगातार जाप करने से आपको लाभ रहेगा। अब कुछ विशेष मुहूर्त है जिनका आप लाभ, क्योंकि पूरा महीना अच्छा है, आप 5 नवंबर के उपरांत विशेष करके लाभ उठा सकते हैं, परंतु पूरे समय में कुछ अच्छे मुहूर्त हैं जिनका लाभ उठाएं। नीम और ग्रह आरंभ के लिए 30 अक्टूबर, 8 नवंबर, 14 नवंबर। ग्रह प्रवेश के लिए 30 अक्टूबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 6, 7, 8, 9, 14 नवंबर। व्यवसाय के लिए अक्टूबर 18, 19, 25, 30 तथा नवंबर 8, 9, 10 और 14। देवी प्रतिष्ठा के लिए अक्टूबर 18, 22, 30 तथा नवंबर 1 और 14। गणेश प्रतिष्ठा के लिए अक्टूबर 19, 24, 25, 30 तथा नवंबर 1, 6, 8, 14, 17, 18। इसके अतिरिक्त इस माह में 25 और 27 दो दिन ऐसे हैं, 25 को धनतेरस है, 27 को दीपावली है। कोई भी रत्न इस दिन जैसे मैंने बोला था वो धारण कर सकते हैं। परंतु दीपावली का पूरे वर्ष हम इंतजार करते हैं कि लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी की स्थाई लक्ष्मी की किस दिन आप स्थिरता हो आपके ऑफिस में, घर में। तो लक्ष्मी पूजन के समय इस प्रकार है। प्रदोष काल अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो कि 27 अक्टूबर को 5:40 से लेकर 8:16 तक चलेगा, जिसमें मेष और वृषभ लग्न चलेंगे, इसलिए अत्यधिक शुभ समय रहेगा। सायं 6:42 से लेके 8:37 तक वृषभ लग्न सबसे अधिक प्रशस्त रहेगा, शुभ रहेगा। इसमें श्री गणेश, लक्ष्मी, कुबेर इत्यादि का पूजन आप कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं।
कुछ जो भक्त गण हैं वो निशीत काल जो है उसमें भी पूजा करना उनको अच्छा लगता है, जिसमें उनको लाभ प्राप्त होने के संकेत मिलते हैं। निशीत काल जो है वो रात्रि 8:16 से लेके रात्रि 10:52 तक रहेगा। तो इस समय में आप प्रदोष काल से लेके रात्रि 34 मिनट तक रहेगा। इस समय में जो आप पूरे लाभ उठा सकते हैं, बेशक आप श्री सूक्तम का हो, ललिता सहस्त्र नाम, कनक धारा, गोपाल सहस्त्र नाम, लक्ष्मी के स्तोत्र, श्री विद्या मूल षोडशी मंत्र का जाप, या लक्ष्मी के जो चिन्ह है श्री यंत्र है और दक्षिणवर्ती शंख है, कौड़ी इत्यादि, इनकी स्थापना आप कर सकते हैं, पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।